हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल सान और स्टडी 1998 पे। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों इंडियन नेवी ट्रेड्समैन 2021 के बारे में। आप लोग सभी को पता है कि इसका रिजल्ट जो मुंबई जोन का एग्ज़ाम था उसका नोटिस भी आ गया था और आज से एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम जिनका हो चुका है उनका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड कटअप कितने रहने वाली है और जो मुंबई जोन का एग्ज़ाम है उसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये नोटिस लेके आप लोगों के साथ आया हूँ, सामने आया हूँ। आप देख सकते हो कि डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो था वो 5 अप्रैल से यानी कि आज से आप लोगों का स्टार्ट था दोस्तों। उसके बाद अगर देखा जाए कि ये जो आप लोगों का आज एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग होगा वो एडमिट कार्ड सॉरी कल ही से आप लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग हो रहा था, 6 अप्रैल हो चुका है आज सॉरी। जो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग हुआ है उस एडमिट कार्ड में सिर्फ आपको सिटी डिटेल दिखाया जाएगा दोस्तों, आपको पूरे स्कूल वगैरह जहाँ भी सेंटर दिया वो नहीं दिखाया जाएगा। आपके एग्ज़ाम से 72 आवर पहले आप लोगों का बताया जाएगा, 72 आवर्स पहले आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो कहाँ पे पड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट डाउनलोड देंगे एडमिट कार्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट वेबसाइट हैविंग एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल 72 आवर बिफोर एग्ज़ाम। यानी कि अगर आपका जो 11 एग्ज़ाम को यहाँ पे एग्ज़ाम दिखाया जा रहा है, 11 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, उससे 72 घंटा पहले यानी कि दोस्तों आपका 8 तारीख के बाद से आपको दिखाने लगेगा आपका, आप एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग कर लेना आपका। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का सिटी डिटेल दिखा देगा कि मुंबई में यहाँ पे है, ये यहाँ पे एग्ज़ाम है, ठीक है। बट आपको एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो 8 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जहाँ से उसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा मैं अपलोड कर दूँगा। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डालिएगा जिन लोगों मुंबई जोन वाले हैं वो, और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा, और यहाँ पे जो ये पिक्चर दिख रहा है जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये डालिएगा, सबमिट कीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड मैंने बता दिया है। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है या जिन लोगों का नहीं हुआ है उनकी कटअप कितनी रहेगी मैक्सिमम, ठीक है। मैं मैक्सिमम कटअप लेके चलता हूँ क्योंकि सेफ स्कोर रहेगी, आप लोगों को पता है इसके प्रोसेस के बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इसका दोस्तों स्टार्ट हुआ था वो 22 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 7 मार्च तक इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन चला था, ठीक है। अगर आप बात कर ले एग्ज़ाम डेट के बारे में तो इसका एग्ज़ाम डेट है जो 21 और 21 मार्च को ही होने वाला था सारे एग्ज़ाम, बट कोविड के कारण आप लोगों को पता है कि मुंबई जोन और भी जोन में कुछ जोने में एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया था, वहाँ एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका था। तो आप लोग सभी को पता है कि अब जो एग्ज़ाम होगा वो 20 21 मार्च और 11 अप्रैल को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। 11 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, इन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ ईस्टर्न नेवल कमांड की जो है आप लोगों को पता है कि इसमें 710 वैकेंसीज है, वेस्टर्न नेवल कमांड में 324 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 163 है सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 303 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 163 वैकेंसी है, एससी के लिए 116 वैकेंसी है, एसटी के लिए 57 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 वैकेंसी है। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी 163 वैकेंसीज हैं। अगर आप जो सेक्शनल कटअप जाता है अगर उससे 163 से जो है आपका अगर आपका जो जनरल का कटअप मैच कर गया तो आप 163 के छोड़ के सीट आप जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे और नजर कैटेगरी में आ जाओगे। इसलिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपके लिए टोटल पोस्ट 303 प्लस 163 है। उसी तरह अगर आप एससी कैटेगरी में हो तो आपका 116 प्लस 303 सीट होगी। उसके बाद एसटी में हो तो 57 प्लस 330 होगी, ईडब्ल्यूएस में हो तो 71 प्लस 303 होगी। दोस्तों जो लोग अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में उनकी 303 ही पोस्ट आने वाली है, ओके। अब बात कर लूँ टोटल वैकेंसीज ईस्टर्न नेवल कमांड के तो 710 वैकेंसीज है टोटल वैकेंसीज। अब बात किया जाए अगर कि वेस्टर्न नेवल कमांड की जो वैकेंसीज है वो कितनी है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 133, ओबीसी के लिए 87, एससी के लिए 48, एसटी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 और उसके बाद जो टोटल वैकेंसीज है वो 324 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट नेवल कमांड के बारे में, साउदर्न नेवल कमांड के बारे में। टोटल वैकेंसीज जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 57 है, ओबीसी में 37 है, एससी में 16 है, एसटी की मात्र 2 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 13 वैकेंसीज है, टोटल 125 वैकेंसीज है इसमें। आप देख सकते हो कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हो तो आपके लिए 493 वैकेंसीज थी, ओबीसी के लिए 287 वैकेंसीज थी,
एससी के लिए 180 वैकेंसीज थी, एसटी के लिए 83 वैकेंसीज थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 116 वैकेंसीज थी। ओके, इसका टोटल जो टोटल वैकेंसीज थी आप लोगों के लिए वो 1159 वैकेंसीज थी। ठीक है, अब बात करें लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो कैसा आया है अभी तक का। दोस्तों जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था आप लोगों के लिए वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया हुआ है, कोई ज़्यादा उतना टफ वगैरह नहीं आया है। ठीक है, आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। ओके, चलिए बात कर लें अगर हम अब कि प्रीवियस ईयर जो है वो कट ऑफ कितनी रहे थी, तो मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी इस बार की, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी वो ऐसा तो उन लोगों ने कभी रिलीज नहीं करता है, बट ऐसा माना जा गया था क्योंकि जिनका 63 से 75 के करीब था उनका ले लिया गया था, ये लोवेस्ट मार्क्स था, इसलिए इसे कटअप बना लिया गया। कटअप ऐसे डिसाइड किया जाता है, डिफेंस के लोग में बहुत कम लोग कटअप डिक्लेयर करते हैं तुरंत। ओके, जैसे कि अभी अभी आईबी आया था एग्ज़ाम, तो आईबी ने भी कटअप डिक्लेयर नहीं करते हैं, वैसे ही दोस्तों एयरफोर्स वगैरह तो अपने कटअप डिक्लेयर कर देते हैं। अब बात करते हैं जनरल अनदर कैटेगरी के लिए, जो प्रीवियस ईयर कटअप था वो 73 से 75 के बीच में था। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी की जो कटअप थी वो 69 से 71 थी। शेड्यूल क्लासेस यानी कि एससी इसकी जो कटअप थी वो 64 से 66 की। शेड्यूल ट्राइब्स इसकी कटअप 59 से 61 थी, आप देख सकते हैं 59 से 61 कटअप थी उसकी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रिजर्व कैटेगरी के लिए कटअप की रहने वाली, उससे पहले हम बात कर लें रिजल्ट के बारे में, इसका जो रिजल्ट डेट है वो कब तक आएगा। तो रिजल्ट डेट के बारे में आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो इसका रिजल्ट डेट है, क्योंकि आप लोग सभी को पता है कि अगर एग्ज़ाम 20 से 21 मार्च के बीच में हो जाता, मैंने भी खुद बताया था कि अगर 20 से 21 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल तक आ जाएगा, बट आप लोग सभी को पता है रिजल्ट के बारे में कि जो रिजल्ट है दोस्तों इसका वो 11 अप्रैल को एग्ज़ाम बचा रह गया था कुछ कुछ जोन में, उसके कारण से 11 अप्रैल को उस जोन में एग्ज़ाम होने वाली है। तो इससे ऐसा मानिए आप लोग कि आपका जो है वो मई के फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आने का संभावना है, और जो सबका रिजल्ट है वो साथ में आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई जोन का पहले आ जाएगा कोई जोन का बाद में आएगा, कि जैसे आगे एग्ज़ाम आगे पीछे हुआ तो रिजल्ट भी आगे पीछे आएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि एक बार जो एफकैट है एयरफोर्स की ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम होता है एफकैट, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में कुछ इश्यूज हो गए थे उसके कारण से वहाँ एग्ज़ाम लेट से हुआ था, बाकी सब जगह एक ही समय हो चुका था। बट दोस्तों आप लोगों को ये जान के बहुत खुशी मिलेगी कि जो एफकैट ने सबसे पहले वहाँ पे एग्ज़ाम करवाया, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जो है रिजल्ट सबका साथ ही निकाला, और एक तय सीमा में निकल जाता है दोस्तों कि जैसे देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मई में भी जो रिजल्ट आएगा ये बहुत लेट नहीं होने वाला, आपका मई फर्स्ट या सेकेंड वीक तक ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो सेकेंड वीक तक जाने वाला आप लोगों का रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि डिफेंस में एक अच्छी बातें हैं कि रिजल्ट ये बहुत अच्छे जल्दी जारी करते हैं, सब चीज़ इनका सिस्टमेटिक ढंग से होता है। चलिए अब कटअप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इस पर बहुत ज़्यादा नहीं था दोस्तों, तो इस पर का जो कटअप है वो 70 से लेकर 74 के बीच ही रहने वाला है। ठीक है, जो कटअप है इस बार का, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 70 से 74 रहने वाला है। आप लोगों को पता था कि 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, मैं 100 नंबर में कटअप आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद बात कर लें अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, अगर दोस्तों आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कटअप है वो 63 से लेके 69 के बीच आपका जो है कटअप रहने वाला है। अब बात कर लें अगर ओबीसी के बारे में, अगर दोस्तों आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कटअप है वो 65 से लेके 72 के बीच कटअप आप लोगों का रहेगा। ये सेफ कटअप है दोस्तों, एग्ज़ाम के बाद जो मेरिट आउट भी होंगे मेरिट आउट नहीं होंगे, अगर जिनका इतना नंबर आ रहा है आप सेफ हो जाओगे। बात कर लें अगर आप एसी कैटेगरी से, अगर आप एसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका जो कटअप है वो 57 से लेके 63 के बीच रहने वाला है। अब बात कर लें अगर आप एसटी कैटेगरी के लिए, तो अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कटअप है वो 51 से लेके 56 रहने वाला है। ओके, मैं एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि इस एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का फिजिकल होगा वगैरह होगा, मेडिकल होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेरिट आएगी तब आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी। दोस्तों अगर आप बोलें तो मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा फिजिकल प्रोसेस पे, मैं फिजिकल प्रोसेस के लिए एक बहुत वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों की अनुमति हो तो। आप अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट करना, मैं फिजिकल से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। ओके दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोगों की बहुत फ़ायदा होगी। एग्ज़ाम में लाइसेंस मैंने करवाया था, आप लोग देख सकते हो इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का। कटअप के बारे में मैं तो बताता ही हूँ, अभी बता ही रहा हूँ, रिजल्ट डेट कब तक आने वाली उस चीज़ के बारे में बात बताता हूँ, जब रिजल्ट आ जाती है तो बताता हूँ। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो रिजल्ट डेट है दिल्ली का, दिल्ली पुलिस का, मैं बहुत
जल्द रिजल्ट दिया था, यूट्यूब पे अपलोड किया था। बहुत कम लोगों ने मुझसे पहले वीडियो अपलोड की थी, तो मैं जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मैं वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। जो टोटल वैकेंसीज है उसके बारे में बात करता हूँ, मैं कैटेगरी वाइज बात करता हूँ, अगर कोई जोन है तो जोन वाइज में बात करता हूँ। फॉर्म फिलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। और मैं बहुत जल्द फ्री बैचेज लाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी आप लोगों ने एग्जाम देना स्टार्ट किया है, आप लोगों का ज़्यादा एज नहीं होगा, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लेना जीएस के लिए। ये फ्री बैचेज रहेगी आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है अगर आप इस बैच को एक बार पढ़ लोगे तो आपको दोबारा जीएस में कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, थैंक यू सो मच दोस्तों।